सीरियल ही रिश्ता क्या कहलाता है। मंजरी ने अभिमन्यु और अक्षरा की बहुत सारी बातें सुन ली है, जिसमें वो अभीर के बारे में बात कर रही है, और अब मंजरी को अभिमन्यु और अक्षरा ने भी देख लिया है। ऐसे में अब मंजरी क्या करने वाली है, और मंजरी और अभिमन्यु मिलकर कौन सा बड़ा फैसला लेते नजर आएंगे, और अक्षरा क्या करेगी, इन सारी बातों की डिटेल हम आपको आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। इसलिए अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए। आप सभी ने सीरियल में देखा ही होगा कि अक्षरा ने वकालत की पढ़ाई कर रखी है, और वो अपने हक के बारे में भी सारी चीजें जानती है, और वो जानती है कि कभी भी अभिमन्यु उसके बेटे को छीन नहीं सकता। लेकिन सीरियल की कहानी में जब अभिमन्यु के बाद बिरला फैमिली वालों को अभीर के बारे में पता चलेगा और वो अभीर की कस्टडी के लिए अक्षरा से लड़ रहे होंगे, तब अक्षरा ऐसे एविडेंस सामने लाएगी जिसकी वजह से अभीर की कस्टडी अक्षरा को ही मिल जाएगी, जिससे अभिमन्यु काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ मंजरी भी कुछ नहीं कर पा रही होगी। ऐसे में कस्टडी के केस को हार जाने के बाद अभिमन्यु का फ्रस्ट्रेशन दिखेगा, जिसने अक्षरा रोकती नजर आएगी। अभीर की कस्टडी अभिमन्यु के पास रहनी चाहिए या अक्षरा के पास, कमेंट में आप हमें जरूर बताएं।